अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गीलानी और आप देख रहे हैं गीलानी व्लॉग्स। गुरुद्वारा पंजा साहब से दोबारा खुश आमदीद। पहला व्लॉग हमने आपको बताया गुरुद्वारा पंजा साहब की इमारत के बारे में, इसकी डिटेल बताई, हॉल दिखाया, ग्रंथ साहब का जो है वो आपको बताया कि ग्रंथ साहब क्या है, उस सिख मज़हब के बारे में बताया। और अब हम जो है वो आए हैं उस चट्टान के सामने और उस पंजे के सामने जिसकी वजह से इसका नाम जो है गुरुद्वारा पंजा साहब रखा गया। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सिखों का अकीदा क्या है, मुसलमान क्या समझते हैं, और इसमें एक जो तारीखी सुखम मौजूद है इन दोनों कहानियों में या इन दोनों दास्तानों में, वो क्या है, उसके बारे में हम आपको तफसील बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि अपना गुरु नानक देव जी सिख मज़हब के जो बानी हैं उन्होंने पूरी दुनिया के सफ़र किए, और जो उनके खादिम ख़ास थे उनका नाम था भाई मर्दाना। अच्छा, वो मुसलमान थे, और लेकिन ये कि चूँकि उसी गांव के उसी जगह के रिहायशी थे जहाँ के जो है वो बाबा जी रहने वाले थे, उम्र में 10 साल बड़े थे भाई मर्दाना बाबा गुरु नानक जी से, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत थी और मरते दम तक जो है वो दोनों साथ रहे। हत्ता कि यहाँ तक कहा जाता है कि जब बाबा मर्दाना का इंतकाल हुआ है तो वो बाबा जी ने उनसे पूछा कि भाई तुम चूँकि मुसलमान हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो है वो आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाएँ। तो बाबा मर्दाना ने ये कहा कि जी मैं चूँकि आपका चेला हूँ इसलिए जो है वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप दिल चाहे जो है वो रसूमात अदा करें। तो कहा यह जाता है कि उनकी रसूमात जो है वो हिंदू तरीके से अदा की गई थी, वल्ला आलम, ज़ाहिर है हम तो मौजूद नहीं थे। ये वो कहानियाँ हैं जो किताबों में दर्ज हैं। बहरहाल जिक्र ये हो रहा था बाबा गुरु नानक की यहाँ आमद का। बाबा गुरु नानक ने जो सफ़र किए उनमें जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ तक कहा गया कि जी कि उन्होंने हज भी किया था, लेकिन इसकी कोई दस्तावेजी शहादत मौजूद नहीं है। लेकिन उसी सफ़र से वापसी पर उनका यहाँ क़याम हुआ। हसन अब्दाल, ये जहाँ हम खड़े हैं या गुरुद्वारा मौजूद है, ये हसन अब्दाल, उस ज़माने में भी जो है वो इसका नाम हसन अब्दाल था या नहीं था, ये वहाँ पर आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे कि इसका नाम हसन अब्दाल जो है वो कैसे पड़ा, हसन अब्दाल क्यों आया। लेकिन ये तय है कि तकरीबन 3000 फुट बुलंद पहाड़ियाँ हैं इसके जो है वो साथ, और जो है वो पहाड़ी भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, जिस पहाड़ी के साथ ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है। ये जिस जगह हम मौजूद हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ बाबा मर्दाना ने वापसी पर अपने डेरे लगाए और एक छोटा सा गांव यहाँ आबाद हुआ करता था। अब ये नहीं पता कि उसका नाम उस वक्त हसन अब्दाल था या कोई और नाम था, लेकिन ये 1521 की बात है, अप्रैल 1521, उस वक्त जो है बाबा गुरु नानक यहाँ तशरीफ लाए थे। नदी एक छोटी सी बहती थी, एक चश्मे का पानी, साथ जो है वो उल्टे हाथ को पहाड़ी है, वो पहाड़ी भी आपको जो है वो दिखाते हैं, जिस पहाड़ी पर जो है वो उस ज़माने में एक मुसलमान वली जिनका नाम था वली कंधारी, वो जो है ये ऊपर रिहाइश पजीर थे, और नीचे जो है वो एक बस्ती थी, ऊपर एक चश्मा था, उसका पानी जो है वो बहकर नीचे आया करता था। और जो गांव वाले थे वो हिंदू थे या मुसलमान थे या वट्स एवर जो भी थे, लेकिन वो बाबा वली कंधारी के पास जो है वो जाया करते थे हिदायत लेने के लिए, जो किताबों में दर्ज है। बाबा जी ने जब आकर नीचे डेरा लगाया तो बाबा जी जो है वो भजन, हिंदू भजन जो है वो अपनी सुरीली आवाज़ में गाया करते थे, और बाबा मर्दाना जो है कहते हैं वो भी जो है वो ढोलक पर उनका साथ दिया करते थे। कलाम जो है वो चूँकि दर्स जो है वो तौहीद का था, कलाम बड़ा खूबसूरत था, लोग जो है वो खींचने लगे। वो पहले पहाड़ी पर ऊपर जाया करते थे, लेकिन जब बाबा जी ने वहाँ बैठकर दर्स देना शुरू किया तो लोगों ने बाबा जी के दर्स में जो है वो शिरकत शुरू कर दी। कहा जाता है कि बाबा वली कंधारी ने जब ऊपर से ये देखा कि उनके पास आने वाले लोगों की तादाद कम हो गई है, लेकिन बाबा जी के पास जाने आने वाले लोगों की तादाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो कहते हैं वो जेलस हो गए। अब सोचने की बात यह है कि एक जो है वो अल्लाह का जो है वो प्यारा बंदा, वो कैसे जेलस हो सकता है उस बंदे से जो उसी की तरह अल्लाह का नाम लेता हुआ। हुआ ये कि ऐसा ऐसा जो है वो बाबा जी की तादाद बढ़ती रही, वो जो मानने वाले हैं उनकी, और बाबा वली कंधारी के पास जाने वाले लोगों की जो है वो तादाद कम होती गई। बाबा जी को जो है वो एक दिन गुस्सा आया, उन्होंने जो है वो ये कहा कि ये लोग जो है वो मेरे पास क्यों नहीं आते। ये वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ जो किताबों में दर्ज है या जो सिखों का अकीदा है, ये मेरा अकीदा नहीं है। उन्होंने ऊपर से जो है वो एक जो कुदरती चश्मा जो उनकी करामत से जारी हुआ था और जिसका पानी जो है वो नीचे आया करता था और लोग पीते थे और अपने माल मवेशी को भी पिलाया करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया। यानी चश्मा जो है वो उन्होंने बंद कर दिया। चश्मा बंद हुआ तो नीचे पानी आना ख़त्म हो गया। कोई 3-4-5 दिन ऐसे गुजरे जब ऊपर से पानी नहीं आया, उनके मवेशियों ने दूध देना बंद कर दिया, जो है वो कहते हैं कि जी बेहोश भी होने लग गए, मरने भी लग गए। सारे लोग जमा होकर जो है वो बाबा गुरु नानक के पास आए
और उन्होंने बाबा जी से ये कहा कि जी बाबा वली कंधारी ने हमारा पानी बंद कर दिया है और कसूर हमारा सिर्फ ये है कि हमने उनके पास जाना छोड़कर आपकी महफिलों में शरीक होना शुरू कर दिया है। बाबा जी ने जो है वो जब गांव वालों की ये वक्ता सुनी तो उन्होंने जो है वो कहा कि तुम लोग जो है वो चूँकि अरसे से यहाँ रह रहे हो तो बेहतर ये कि तुम पहले जाकर ख़ुद बात कर लो। गांव के 8-10-15 लोग जमा होकर ऊपर गए, उन्होंने दरख्वास्त की कि जी हमारा पानी खोल दें, लेकिन बाबा वली कंधारी ने ये कहा कि जी तुम जिसकी महफिलों में शरीक होते हो और जिससे जाकर मांगते हो अब जाकर पानी भी उसी से मांगो। वो लोग जो है ना वो जो मिन्नत समाजत कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन बाबा वली कंधारी नहीं माने, लिहाजा वो खाली हाथ वापस आ गए। अगर उन्होंने बाबा जी से कहा जी कि हमें जो है वो पानी नहीं दे रहे, उस पर बाबा जी ने अपने जो खादिम ख़ास से भाई मर्दाना उन्हें कहा कि भाई तुम जाओ और तुम जाकर जो है वो बाबा जी की खिदमत में हाज़िरी दो और ये कहोगे जी हमें पानी दे दें। खैर भाई मर्दाना भी गए, एक दफ़ा गए और बेइज्जती करवा कर वापस आ गए। आकर बाबा जी को बताया कि जी बाबा वली कंधारी ने तो मेरी बहुत जो है वो बेइज्जती की है और उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया है। दोबारा भेजा, दोबारा उन्होंने मज़ीद जो है वो इल्तजा की, मज़ीद जो है वो उन्होंने दरख्वास्त की कि जी किसी ना किसी तरह हमें पानी दे दिया जाए, लेकिन वो दोबारा भी नहीं माने। हत्ता के तीसरी दफ़ा जो है वो उन्होंने ये कहा कि जाओ जाके उसी खुदा से पानी मांगो, अपने बाबा से कहो, गुरु नानक से कहो कि उसी खुदा से पानी मांगे जिस खुदा की वो इबादत करता है, मेरे पास तुम्हारे लिए पानी नहीं है। तब फैसला ये हुआ कि बाबा वली कंधारी ने पानी देने से इनकार कर दिया। अब जब नीचे जो है वो जाहिर सी बात है लोग इस इंतज़ार में बैठे हुए थे कि बाबा वली कंधारी पानी खोलेंगे और पानी जो है ना वो आएगा और हम पियेंगे, हमारे माल मवेशी जो है वो फिर से दूध देना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा जी ने जो है वो जब लोगों ने कहा कि अब हम क्या करें, बाबा जी ने पहले तो ये कहा कि अपने अल्लाह से मांगो। इस बारे में वो 3-4 रिवायतें बयान की जाती हैं कि ये पानी फिर आया कहाँ से। बाबा जी ने ये कहा कि अपने अल्लाह से मांगो, फिर खुद सजदे में गिर पड़े और ये कहा जाता है कि सजदे से उठकर उन्होंने अपनी छड़ी एक जगह मारी तो जो है वो पानी निकल आया। दूसरी जगह ये कहा जाता है कि उन्होंने भाई मर्दाना को कहा कि फलां पत्थर उठाओ, वो पत्थर उठाया तो उसके नीचे से पानी निकल आया। तीसरी जगह ये भी कहा गया कि उन्होंने लोगों से कहा कि भाई तुम सारे लोग मिलकर दुआ करो तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं से पानी निकल आएगा। लेकिन बहरहाल ये कि एक चश्मा जो है वो फूट पड़ा अल्लाह ताला के जो है वो मेहरबानी से, उसकी नवाजिश से। अब दुआ किसकी थी, दुआ तो एक आम आदमी भी मांगे तो वो कबूल हो जाती है। और बाबा गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि वो वही दर्स दिया करते थे तौहीद का जो दर्स जो है वो मुसलमान देते थे। लेकिन भारत पानी जो है वो निकल आया। बाबा वली कंधारी साहब जो है वो देख रहे थे कि जो है वो नीचे पानी निकल आया, पानी बाकायदा जो है वो जारी हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर ऊपर जो है वो अपनी रूहानी करामत से एक बहुत बड़ी चट्टान थी वो नीचे लुढ़का दी ताकि जो है वो बाबा भी उसके नीचे दबके मर जाए और जो जो पानी निकला है वो भी खुश्क हो जाए। वो जनाब चट्टान बड़े शोर से जो है वो नीचे आ रही थी। उस ज़माने में ये आबादी तो थी नहीं, चट्टान के दरमियान में और बाबा जी के जो है वो दरमियान में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी जो हायल हो सकती। चट्टान बड़े ज़ोरों शोर से जो है वो नीचे आ रही थी, बाबा जी सजदे में गिरे हुए थे जो किताबों में लिखा हुआ है। लोग जो है वो जब चट्टान ने ज़्यादा शोर किया तो लोग जो है वो डर कर दाएँ बाएँ भाग गए और जो है वो उन्होंने बाबा जी से भी कहा कि जी चट्टान जो है वो लुढ़कती आ रही है। लेकिन बाबा जी ने जो है बड़े तहम्मुल से चट्टान के करीब आने का इंतज़ार किया और जब चट्टान करीब आ गई तो अपना दायां हाथ, दायां पंजा जो है वो अपना उस चट्टान पर, उस चट्टान को रोकने के लिए अपना दायां पंजा उस पर सब्द कर दिया। ये जहाँ मैंने अपना पंजा रखा हुआ है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बाबा गुरु नानक का पंजा है और इसी पंजे की मदद से जो है वो उन्होंने इस चट्टान को रोका था। इस चट्टान को रोका तो इस पर पंजे का निशान बन गया। और ये जो है सिख ये कहते हैं कि जी इस पंजे को जो है वो बनने के बाद मिटाने की भी बहुत कोशिश की गई लेकिन ये नहीं मिट सका, दुश्मनों की कोई साजिश थी। अब जो चश्मा है वो इसी चट्टान के नीचे से निकलता है। सिख ये भी कहते हैं कि जो है वो अपना बाबा वली कंधारी ने जब ऊपर से देखा कि नीचे पानी निकल आया है तो वो बाकायदा पहाड़ी से निकलकर नीचे आए और नीचे आकर उन्होंने जो है वो बाबा गुरु नानक से माफ़ी मांगी और उसके बाद जो है बाबा गुरु नानक के अकीदत मंदों में या उनके पैरोकारों में शामिल हो गए। ये कहाँ तक सच है नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो है वो इस कहानी में जो एक जो तारीखी सुकम मौजूद है वो हम आपको बताते हैं कि वो तारीखी सुकम क्या है। लेकिन ये जो वर्जन मैंने आपको बताया है ये सिखों का वर्जन है, मुसलमानों का नहीं। अकीदा भी उन्हीं का है, हमारा नहीं। लेकिन बहरहाल चूँकि हर मज़हब का एहतराम जो है वो हम पर फ़र्ज़ है, हम उनके अकायद का, उनके मज़हब का, उनकी रवायात का एहतराम करते हैं लेकिन हम अपना अकीदा नहीं छोड़ते और किसी के अकीदे को छेड़ते नहीं। पंजे का निशान किसका है किसका नहीं, बादी नज़र में ऐसे लगता है जैसे ये बनाया गया है लेकिन वो कहते हैं कि जी जो है ये पंजे का निशान जो है वो कुदरती है, होगा
लेकिन हम बताते हैं कि वो तारीखी सुकम क्या है जिसकी वजह से ये पंजा जो है वो मशकूक है, लेकिन ये भी तय है कि इसी पंजे की वजह से इसको जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब कहा जाता है। आइए उस तालाब वो भी आप दिखाते हैं जो इस चश्मे के पानी की वजह से जो है वो तालाब बन चुका है, जिसमें पानी मौजूद है, मछलियाँ मौजूद हैं, और फिर वहीं जो है आपको उस तारीखी सुकम के बारे में भी बताते हैं जो इस पूरी कहानी में पाया जाता है। ये है जी वो तालाब, मैं इस वक्त तालाब के पानी में खड़ा हूँ जो चश्मे के पानी के बहने से यानी चश्मे के पानी से बना हुआ है, उधर से ये पानी बाहर निकल जाता है और फिर क्रॉस करता हुआ ये हसन अब्दाल के नालों में गिर जाता है पानी। मैं जो है वो ज़िक्र कर रहा था जो है वो उस तारीखी सुकम का। अच्छा, बाबा वली कंधारी कौन थे? सबसे पहली बात तो ये है, बाबा वली कंधारी जो है वो एक बुज़ुर्ग थे, कंधार के रहने वाले थे। 1406 ईस्वी में वो हसन अब्दाल आए और 1416 ईस्वी में वापस चले गए, यानी बाबा गुरु नानक के हसन अब्दाल आने से 105 साल पहले वो यहाँ से जा चुके थे। बाबा वली कंधारी का ऊपर कोई मज़ार नहीं है, अगर कोई चिल्लागा थी तो वो 105 साल पहले थी, बाबा गुरु नानक के यहाँ आने से 105 साल पहले बाबा वली कंधारी नाम के एक बुज़ुर्ग हसन अब्दाल की चोटी पर जो है वो किसी ज़माने में रहा करते थे। उस वक्त वो चोटी जो है वो ये सेहन से नज़र आती थी। अब सूरत हाल ये है कि 105 साल बाद आने वाले शख्स की कैसे लड़ाई हो सकती है जो मतलब गुज़र चुका हो, ये वो तारीखी सुकम है जो इस पूरी कहानी में मौजूद है। सिख जो है वो इस तारीखी जो एक गैप है उसे तस्लीम नहीं करते, और यहाँ हसन अब्दाल के जो बासी हैं वो भी इसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन बीइंग अ हिस्टोरियन, बीइंग अ रिसर्चर, मैं इस बात पर कायल हूँ कि ये कहानी जो है ये फसाना है। ये इस कहानी में हकीकत सिर्फ ये है कि ये एक तालाब है, एक चश्मा है जो अल्लाह ताला की कुदरत से कहीं से भी फूट पड़ता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस ज़माने में जो है वो बाबा जी यहाँ आए थे, बाबा गुरु नानक जी, ये हसन अब्दाल जो है वो इस तरह का बेआबो बे गया और बंजर इलाका नहीं था, बल्कि ये जो पहाड़ अब क्रशिंग की जद में हैं ये बड़े सरसब्ज पहाड़ हुआ करते थे और यहाँ बहुत सारे कुदरती चश्मे बहते थे। इसलिए इम्कान ये है कि ये जो चश्मा है ये भी उन्हीं कुदरती चश्मों में से कोई एक चश्मा है जिसके किनारे ये चट्टान मौजूद है। इस चट्टान के पानी जो है इस चट्टान के नीचे से निकलता है जो मैंने आपको दिखाई है, जिसके ऊपर पंजे का निशान बना हुआ है, लिहाजा ये कहीं से जाहिर नहीं होता कि ये चट्टान और पंजा जो है वो इनका आपस में कोई ताल्लुक है। 105 साल गुजर के बाबा वली कंधारी को ये कंधार में उनके कंधार के बिल्कुल पास बाबा वली नाम का एक गांव है जहां उनकी बाकायदा कब्र मौजूद है, और वो कब्र जो है वो ऐसी नहीं है कि जो मतलब बेनाम कब्र हो, उस कब्र पर बाकायदा उनके नाम की तख्ती वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। हालात बताते हैं, तारीख बताती है, वाक़ियात बताते हैं कि बाबा गुरु नानक और बाबा वली कंधारी के दौर में 105 साल का फ़र्क था, और ये यही हकीकत है। बाकी जो चीज़ आप देख रहे हैं ये अकायद की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर सब कुछ बना हुआ है। अल्लाह सलामत रखे, हमें जो है वो तमाम मज़हब का एहतराम करना चाहिए। ये जो तालाब में जो मछलियाँ नज़र आ रही हैं ये महाशेर मछली इसको कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये महाशेर की ये जो किस्म है ये जो है वो सिर्फ इसी तालाब में जो है वो पाई जाती है और कहीं नहीं होती, लेकिन महाशेर मछली मौजूद है। लेकिन कहते हैं कि ये किस्म जो तालाब के पानी में तैरती रहती है वो सिर्फ यहीं होती है। इस तालाब का पानी जो है वो मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ पानी जो है वो बहुत मुक़दस माने जाते हैं। जैसे हिंदू मत में जो है वो 7 दरियाओं का पानी जिसमें सिंधु, सरस्वती, जमुना, गंगा ये सारे दरिया शामिल हैं, इनके पानी को बहुत मुक़दस तस्लीम किया जाता है। हमारे यहाँ इस्लाम में जो है वो आब जमज़म को बहुत मुक़दस तस्लीम किया जाता है। ये ईसाइत जो है इसमें जो है वो बपतिस्मा जिस पानी से दिया जाता है उस पानी को बहुत मुक़दस तस्लीम किया जाता है। इसी तरह ये जो सिख मज़हब है उसमें इस पानी को बहुत ज़्यादा मुक़दस तस्लीम किया जाता है, जिस पानी में ये मछलियाँ हैं और जिस पानी में इस वक्त मैं ख़ुद खड़ा हूँ। तो वो आते हैं मुख्तलिफ बीमारियों का, वो कहते हैं जी के इलाज जो है वो ये पानी करता है, इस पानी में गुसल करते हैं। जब वो बैसाखी के मेले पर आते हैं अप्रैल में, और वैसे भी जब यात्रा के लिए आते हैं तो इस पानी में नहाते हैं, और कहते हैं बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती हैं, आफतें दूर होती हैं। हो सकता है पानी बहरहाल अल्लाह ताला की नेमत है और शिफा है इसमें पानी में, तो मुमकिन है कि ये सब कुछ होता हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि अपने अकीदे की बात है। अगर आप जो है वो आपका वो कहते हैं या पीर कामिल या यकीन कामिल, तो अगर आपका यकीन कामिल है तो शिफा आपको जो है मिट्टी की चुटकी से भी मिल सकती है। तो ये था जी गुरुद्वारा पंजा साहब, और ये वो मछलियाँ, ये तालाब और ये पंजा हमने आपको दिखाया। इंशाल्लाह ताला जो है वो
ये हमारा दूसरा वीलॉग था। तीसरा वीलॉग हम करेंगे यहाँ दाल में, कुछ तारीखी इमारतें मौजूद हैं। एक छोटा सा वीलॉग मकबरा हकीमा के बारे में, शहजादा लाला रुख के मकबरे के बारे में वो आपको बताते हैं। फ़िलहाल जो है वो इस वीलॉग से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।